जब जब देश गुलाम हुआ तब तब ही मंदिर टूटे, मंदिर और है राष्ट्र अलग, कहने वाले सब झूठे। सोमनाथ काशी मथुरा और अवध ये कहती आई कि देश व मंदिर साथ बने और लूटे पीटे हैं भाई, मंदिर से परिलक्षित होता राष्ट्र का स्वाभिमान। चित्रकूटरु आसिला प्रभु रामलालांको पई चरण पादुका विजुअल आपनकु देखैबु अयोध्या नगरीर रामसेवकपुरम रे, जोठी रामलालांको पई प्रतिदिन प्रति मुहूर्त रे लोकंकर अनाबिल आस्था प्रेम निस्वार्थपर भावना एवं सेवा समर्पणर भाव चित्र आमे देखौछु। आउ एक झलक मध्य देखैबु, कैमरा पर्सन सुमंत आपनकु विजुअल देखैबे। वर्तमान कारसेवकपुरम रे ये जो विजुअल आपन देखुछन्ती प्रभु श्री राम जे रामलाला हिसाब रे विराजबे राम मंदिर रे, तांको पई ये समर्पण ये सेवा चित्रकूटर आसी। सीधा सड़क भिजुआल नजर पकातु केमती सुसज्जित हो प्रभु रामलालांकर ये चरण पादुका जहाँ को उपहार स्वरूप भेट स्वरूप अणा जा चित्रकूटर लोक मैंने फोटो नेवा सहित चरण पादुका वर्तमान स्पर्श करुछंती। ये सुसज्जित रथ रही चित्रकूटरु आसी एवं लोक मैंने वर्तमान कारसेवकपुरम भिड़ मध्य लागी जे रामलाला परिवेश होती राममय परिवेश होती सबुआड़े भगवा ध्वजा वर्तमान लहरुची एवं ता सहित लोक मानकर आवेग लोक मानकर भावना लोक मानकर समर्पण केते रही प्रभुंक आस्था केते रही तार मध्य विजुअल आम आपको देखु। लगातार कारसेवकपुरम हजार हजार श्रद्धालुंकर भिड़ बढ़ुची जेतिकी दिन गड़ौची आउ गोटे दिन मात्र अपेक्षा तापरे प्रभु रामलाला राम मंदिर रे विराजमान हेबे प्रतिष्ठा पाइबे। ता सहित ये विजुअल आपण देखुथबे प्रति मुहूर्त रे रामलालांक पई किछि ना किछि उपहार आसुचि लोक माने निजर उत्साहित मध्य होउछन्ति एवं ता सहित भिड़ मध्य बढ़ुचि जे कोभळी भाबरे एठिकी लोक माने आसिबे प्रतिटी भेटकु देखिबे प्रतिटी भेटर दर्शन करिबे काहेकिना 22 तारिख दिन राम मंदिर रो जेतु प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम अछि तेणु सबु लोक मानकु सेठि भिड़ लगेबा पई बारण अछि तेणु ये दृश्य देखुछन्ति भव्य दृश्य देखुं प्रतिटी भेट से सीतामढ़ी आसी भार कथा कहतु बान्य जो जगार आसी श्रद्धा स्नेह एवं सद्भावना कथा कहतु सबुठी वर्तमान लोक मीड़ जमुची एवं ये देखुं कौली भावुँ जो भाई भाव में श्री राम रामलाला पादुका चरण वर्तमान आसुची एवं ये चित्र देखुं कौली भाव में रामचरण पादुका को समस्ते स्पर्श कर समस्ते देखुं ये भिजुआल आम देखु अयोध्यार रामसेवकपुरम रामसेवकपुरम सब लोक मीड रही रामचरण पादुका को दर्शन करने प्रभु को ये अर्पण करे सेवा करे समर्पण करे भिजुआल आम लगातार देखु आ कि समय पर प्रतिक्रिया नेबू जे महाराज जी आसी की राम पादुका नहीं सहित बहुत गुड़े पुस्तक आसदेव श्रीराम नामक बही आसी सहित अन्न्य बही आसी आध्यात्मिकता परिवेश को जाग्रत करने सहित अन्न्य बही देखते वर्तमान देखिए श्री राम जन्मभूमि एवं जो संघर्ष रही पांच सौ वर्षर तार लिपिबद्ध रही जो जो लोक मैंने कारसेवकपुरम निजर बलिदान गाथा वर्तमान गाँव कहीं संघर्ष समय से आसी से ही से प्रच्छद पटर नायकों पर ही आज भव्य दिव्य राम मंदिर दर्शन हो सीधा सड़क प्रतिक्रिया नवापाई मध्य आम लगातार प्रयास महाराज जी मध्य प्रतिक्रिया हुआ तब तब भी मंदिर टूटे। जब जब लोग कहते देश की बात करो मंदिर की बात मत करो, मैं कहता हूँ जब जब देश गुलाम हुआ तब तब ही मंदिर टूटे, मंदिर और है राष्ट्र अलग, कहने वाले सब झूठे। सोमनाथ काशी मथुरा और अवध ये कहती आई कि देश व मंदिर साथ बने और लूटे पीटे हैं भाई, मंदिर से परिलक्षित होता राष्ट्र का स्वाभिमान। ये मंदिर जो बनते हैं ना ये राष्ट्र का स्वाभिमान होता है। तो ये जो राम का मंदिर बन रहा है जो उत्साह है ये सामान्य उत्साह नहीं, ये भारत का पुनर्जागरण है। और हमारा विषय भी था चुपचाप मंदिर बनाया जा सकता था, लेकिन ये चुपचाप मंदिर नहीं बना तो पूरी दुनिया को दिखाना था कि देखो भारत वापस जाग रहा है, फिर नगरों के नाम, फिर ये, फिर लोगों में भावना, अब भविष्य में स्थिति पैदा हो रही, 370 हट रही है, अब अगर कोई लड़की निकलेगी तो जटायु बनकर कोई भी बचाने के लिए खड़ा हो जाए तो ये भावना जन जन में जागृत हो, वो माहौल आ रहा है, कुछ परिवर्तन आया है, कुछ धीरे धीरे आएगा और ये देश वापस रामराज्य। तो सब लोग भगवामय है, सभी तो अभी काम कर रहे हैं रामलाला के लिए, तो ये जो चरण पादुका है इनको स्पर्श करने के लिए सभी आ रहे हैं, तो क्या ख्याल है चरण पादुका के बारे में, लोग कितना मतलब उत्सुकता के साथ अभी आए हुए हैं? देखो रामचरण पादुका का दोनों अर्थ है, चरण पादुका दोनों काम में आती है, एक तरफ चरण पादुका को शीश पर रखकर आशीर्वाद भी लिया जाता है और कभी कोई गड़बड़ करे तो अपन बोलते ना देंगे जूते,
तो चरण पादुका उस काम में भी आती है। तो ये चरण पादुका दोनों काम की है, ये दोनों काम की इसलिए कि जो राष्ट्र के विरोधी हैं, जो आतंकवादी हैं, जो जातिवाद फैलाने वाले हैं, जो संप्रदायवाद फैलाने वाले हैं, जो भाषावाद फैलाने वाले हैं, तो उनके लिए दंड का काम करेगी, और जो लोग राष्ट्रभक्त हैं उनके लिए आशीर्वाद का काम करेगी। तो ये चरण पादुकाएँ जो हैं राज्य का प्रतीक था। जब राम जंगल गए थे, जो कथाएँ सबको पता है, जब राम चित्रकूट गए पहुँच चुके थे, उस समय भरत जी बाद में उनको लेने गए, भरत जी ने कहा आप वापस चलो, राज्य आपको लेना पड़ेगा। तो बताते हैं कि जब कोई राजा बनता है तो विभिन्न सागरों का जल लाया जाता है, तीर्थों की मिट्टी लाई जाती है, वो उससे अभिषेक करके राजा का अभिषेक किया जाता है। तो भरत जी ने उस समय कहा मुझे राज्य नहीं चाहिए, राम जी ने कहा मुझे भी राज्य नहीं चाहिए, तो वो राज्य की सामग्री कहाँ जाएगी? जैसे हम सामग्री लेके सामग्री कहाँ ले जाएं, जब राम भी लेने को तैयार नहीं है, राज्य भरत भी लेने को तैयार नहीं है। तो भरत जी ने सारी सामग्री, एक कुआ है भरत कूप, आप कभी चित्रकूट जाएंगे, उसमें डाल दी थी। उसके बाद जब राम लौट कर आए तो अपने अयोध्या के पास एक जगह, आप लोग वहाँ जा पाए तो एक जगह नंदीग्राम, भरत जी वापस आए थे और नंदीग्राम में 14 साल तक भरत जी वहीं रहे। दिस वॉज द कैपिटल ऑफ इंडिया दैट टाइम। तो भरत जी वहाँ रह के उन्होंने पूरा राज्य का जितना प्रशासनिक तंत्र वहीं से चलाया था, तो सारा कॉरपोरेट सेक्टर उनका, ये जितना प्रशासनिक सेक्टर वहाँ से चलता था, और भरत जी वहाँ पर जमीन के अंदर रहते थे, वो जगह पास में थी। 14 साल बाद जब राम आ गए तो भरत जी ने अपनी चरण पादुकाएं जो उनकी थी वापस अर्पित की। हमारे मन में एक भावना थी कि 14 साल तक राम भटके, कोई रखने वाला नहीं था, भोजन की व्यवस्था नहीं थी, खाने की व्यवस्था नहीं थी, होटलें नहीं थी, कोई सिक्योरिटी साथ नहीं थी। उस समय राम को सुरक्षा किसने दी, राम के लिए लड़े कौन, राम के लिए अयोध्या की सेना साथ नहीं गई थी, आम जनता ने राम के लिए प्राण दिए, आम जनता ने राम को अपने घर पर रोका, भोजन कराया, बिस्तर लगाए। प्रभु राम जब भरत जी ने जीत की थी कि अयोध्या एक दिन भी लेट हुए तो मैं प्राण त्याग दूंगा, तो राम जल्दी लौट कर आ गए। तो हमारे मन को लगा कि जब राम के नाम पर दुनिया भर में हम सीना चौड़ा करते हैं तो राम की जो एक दायित्व तो है छूट गया, हम पूरा करें। अपने बाप का अगर हम संपत्ति लेते हैं तो बाप के कर्जे चुकाना भी हमारा काम है। तो प्रभु राम पर कर्जा था वनवासियों का, तो ये यात्रा हमने श्री लंका, ये तो पुरानी गाथा हो गया, लेकिन अभी लोगों का क्या ख्याल है इस बारे में? इस उन्हें ख्याल पूरा वो कब हुई, देखो मैं एक बार बताऊं, अभी यात्रा निकली, अब लोग जितने मेरे पास आते हैं, ये चरण कितने किलो के हैं, चांदी के हैं कि सोने के, इनके मेरे को बेचना नहीं है, ना मैंने खरीदा ना मुझे समर्पण। और ये भाव हमारा ये है कि जिस रास्ते पर राम गए पूरा राम का देश है, हम जिस शहर में रह रहे वो भी राम का देश है। मैं तो अमेरिका में लंदन सब जगह जाता हूँ, लोग मुझसे पूछे कहाँ से आए तो मैं बोलता हूँ राम जन्मभूमि से आया। राम जन्मभूमि केवल 50 फीट का क्षेत्र नहीं है, ये पूरी अयोध्या राम की जन्मभूमि है, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा भारत राम की जन्मभूमि है, ये पूरा आतंक से मुक्त हो। ये अभी अभी महाराज जी कंफर्म हो गया क्या, श्री राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से ये मंदिर में रहेगा ये चरण पादुका? ये क्यों चिंता करना, पूरी अयोध्या राम की है, यहाँ पर भी मंदिर है, और मैं तो ज्यादा प्रेफर करूंगा नंदीग्राम जहाँ पर भरत रहे, भरत मिलन होता है, वहाँ पे चरण पादुका रहे। देखो मैंने बताया ना, ये ब्रेकिंग न्यूज और छोटा टाइम, मैं खुद ZTV में काम किया करता 5.5 साल, मैंने सिर्फ सेवा और समर्पण की भाव से आया। मैंने कहा कहानी नहीं है ये तो इतिहास है, कहानी नहीं है ये तो इतिहास है, युगों को बदलने का ही प्रयास है, और भाव सेवा का मन में जब भी जगे समझो कि राम कहीं आसपास है, राम कहीं आसपास है। ये शब्द सुनुथले, ये भावना सुनुथले, ये भावाबेग सुनुथले लोक मानकर, एवं महाराज जी जे कहुथले जे आसीछि चित्रकोटरु, किंतु लोक मानकर आबेग रहिछि, लोक मानकर भल पाइबा अछि, एवं लोक मानकर आस्था रहिछि, केमिति रामलाला एवं 14 वर्षर बनवास परे जेतेबेला मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्रंकर बनवास होइतिला, तापरे नंदीग्राम को फेरिथिले, एवं भरत तांकर एवं प्रभु रामकर मिलन होइतिला, सेही दृष्टिरे जदि देखिबा आजि सेही रामचरण पादुका को लोकंकर टिके स्पर्श, लोकंकर से भावना, लोकंकर से आवेग, लोकंकर से भल पाइबा, लोकंकर से निस्वार्थपर प्रेम ही अयोध्या रे वर्तमान देखिया पाई मिलछे। अयोध्या रु कैमरा पर्सन सुमन साहू को सह स्वप्नांजलि महांति, अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।